वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को आपके लिए इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको हमारे साथ साथ ही सब कुछ याद हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 2, जो कि है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान में जो किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और किस प्रकार से उनको लीगल राइट्स से डिफरेंशिएट किया गया है, किस प्रकार से उनको कानूनी अधिकारों से अलग किया गया है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कुछ फंडामेंटल राइट्स, हमने पढ़े थे जिसमें से हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है, हमने उसमें ये पढ़ लिया है कि हमें समानता के अधिकार किस किस अनुच्छेद के तहत मिले हुए हैं, हमने ये पढ़ा कि शोषण के विरुद्ध हमारे अधिकार क्या क्या है। ठीक है, आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के में दिए हुए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो क्या है, वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार से जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार दिया गया है वो इस अधिकार के तहत शामिल नहीं है। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि राइट टू एजुकेशन को 29 और 30 में काउंट कर देते हैं। राइट टू एजुकेशन या जो आरटीई कहा जाता है, आरटीई को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आरटीई को जो है वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 29-30 में कहीं भी आरटीई शामिल नहीं है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन का जो भी अधिकार था ना, वो राइट टू एजुकेशन इसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये हमारे लिए जो है कल्चर और शिक्षा का अधिकार है, हमारे लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन है एक्चुअल, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, वो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। वो कहीं भी अनुच्छेद 29 और 30 में शामिल नहीं है। आपको ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं रखना है कि अगर इसका नाम ही संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, क्वेश्चन आपके आ जाए। क्योंकि देखिए, आपके इस बार ये तो आप मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खूब सारे आएंगे, बहुत सारे होंगे जो एमसीक्यूज होंगे, बहुत सारे उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर्स होंगे। तो ऐसे में ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि राइट टू एजुकेशन को किस अधिकार या किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो बच्चे तो यही सोचेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है वो 29-30 में दिया है, उसी में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो फिर अगर वो नहीं है तो इसमें कहा क्या गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वो आर्टिकल 29(1) में दिया गया है। यानी कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, ऐसे सभी समुदायों के सदस्य जो कि संख्या में कम हो। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत में 80% लोग हिंदू हैं, लेकिन बाकी के जो जनसंख्या है वो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन से मिलके बनी है, जिसमें मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, जैन भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, और भी कई सारे धर्म हैं। विश्व के भारत जितनी डाइवर्सिटी विश्व में कहीं नहीं है, इतनी विविधता विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ऐसी जो भी समुदाय है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों के जो भी अधिकार है उनको आर्टिकल 29(1) यानी कि 29(1) में दिया गया है। साथ ही फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, प्रत्येक को प्रवेश का अधिकार, वो आर्टिकल 29(2) में दिया गया है। क्योंकि कई बार कई सारे इंस्टीट्यूशंस धर्म के नाम पर या तो प्रवेश लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो वो जो है वो अधिकार हमें आर्टिकल 29(2) में दिया गया है। उसके अलावा राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यकों को भी अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार संविधान आर्टिकल 31 में देता है, 30(1) में देता है। और नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल गिविंग ग्रांट्स,
और ऐसे संस्थान खोलने पर जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है उस अनुदान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। यानी कि 29 और 30 दोनों ही अनुच्छेदों के दो दो भाग हैं। 29 एक में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 29 दो में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 30 एक में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को भी अपने शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूशन से संस्थान है वो खोलने का अधिकार होगा। और 30 दो में ये कहा गया है कि सरकार ऐसे संस्थानों को किसी भी प्रकार से अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 29 और 30 के जो प्रोविजंस है वो है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 जो कि 1949 में ही जोड़ दिया गया है, यानी कि हमारे मूल संविधान में ही जिसको कनेक्ट कर दिया गया था, वो क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, ठीक है ना, अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसके संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, और दूसरे अलावा ये तो कहा गया है 29 एक में, ठीक है ना, 29 एक में कहा गया है। 29 दो में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित किसी भी राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर शब्दों में ये कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, उसे बचाने का उसको पूरा अधिकार प्राप्त होगा। एंड द सेक्शन 2 सेड नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds or ground any of religion, race, caste, language or any of them। किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के बीच, खास करके शैक्षणिक संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 32। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने 29-30 के बाद सीधा 32, तो आप सबको पता है कि अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको कि हटा दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे है सबसे महत्वपूर्ण? अनुच्छेद 32 जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। रक्षोपाय यानी उनकी रक्षा करने का उपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, और ये संविधान की आत्मा और हृदय है, ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, अगर सिंपली आपको ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है और ये कहा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? संविधान की आत्मा जो है वो संविधान के उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें हमारी संविधान का संक्षेप दिया हुआ है, यानी कि हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इन तीनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, खास करके जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट और एकदम सटीक इन्हीं शब्दों में पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, इसमें हृदय शब्द जोड़ा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे?
तो ये संविधान के हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, ठीक है ना। ये कंफ्यूज मत होना, मैं इसीलिए आपके ये टर्म्स क्लियर कर रही हूँ। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, आप अब छोटी क्लास में नहीं हो जिनसे पूछा गया है कि भाई दो और दो कितने होते हैं और आप बता दें कि चार हो गए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन बहुत घुमा के दिए जाते हैं, और अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज है, तो आप मान के चलिए कि आपके दिमाग को खराब करके रख देने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आप कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब आपके 11, 12 से सेम लेवल जो है वो अप्लाई किया जा रहा है जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात होती है। तो अगर सीधा सीधा ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को या उद्देशिका को कहा जाता है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर हो तो वो सही है। और अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नॉट अ राइट इन इटसेल्फ बट सेफगार्ड टू अदर फंडामेंटल राइट्स। अंडर दिस ए पर्सन कैन टेक रिफ्यूज इन द कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। That's why Dr. Ambedkar described Article 32 as the most important article of the Constitution. An article without which the Constitution is meaningless. It is the soul and heart of the Constitution. And Dr. Ambedkar said this. That's why you have to remind the question which is formed by these lines. अब अनुच्छेद 32 का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों अनुच्छेद 32 को शामिल किया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, जबकि अन्य अधिकारों की नहीं। यानी कोई और अधिकार अगर हनन किए जाते हैं तो वो अनुच्छेद 32 में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 29 तक, अनुच्छेद 30 तक अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार, वो सब इसमें शामिल नहीं होंगे। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय तो हमें पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालयों को ये अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत समय अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा घुमा दे और ये पूछे कि उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 226 के तहत किया गया है। The object of Article 32 is to provide for guaranteed, effective, accessible and concise remedies for the protection of fundamental rights. Under this, only fundamental rights have been guaranteed and not other rights such as non-fundamental constitutional right or unconstitutional temporal rights, etc. The Supreme Court and the High Court are empowered by the Constitution of India to issue articles, directions and order to protect the rights. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 2 to 6 can issue all these writs. अब ये writs क्या है? Writ जारी कर सकते हैं, तो ये writ बच्चों को confuse करती है। Writ क्या होती है? Writ जो होती है वो एक ऐसे आदेश होते हैं जो न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जो न्यायालय जारी करता है ताकि उसके द्वारा जो भी उसके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, या जो निचले न्यायालय हैं, वो उन अधिकारों, वो उन ऑर्डर्स को मानने के लिए बाध्य हो जाए, ठीक है, उनको हम रिट कहते हैं। अब ये रिट कौन कौन सी होती है? ये रिट पांच तरह की होती है, पांच तरह की। यानी कि सबसे पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम अच्छे से आपको याद करना है। दूसरी है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हिबिस कॉर्पस भी कहा जाता है। ये कुछ अजीब से वर्ड्स हैं क्योंकि ये लैटिन, क्लासिकल लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है, हिबिस कॉर्पस। उसके बाद है परमादेश या मेंडेमस। उसके बाद है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्टियोरेरी। और अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा यानी कि उसको किसी भी प्रकार के अधिकार से अलग कर देना। और पांचवी है प्रतिषेध। तो ये पांच तरह की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा की जा सके।
अब क्या है वो अलग अलग रिट, वो हम समझते हैं। सबसे पहली रिट है वो है हीबिस कॉर्पस, या जिसको हम कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है, हीबिस कॉर्पस लैटिन फॉर दैट यू हैव द बॉडी, लैटिन में जिसका अर्थ होता है हीबिस कॉर्पस का मतलब होता है दैट यू हैव बॉडी एंड आई एम द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी। इन द यूएस सिस्टम फेडरल कोर्ट्स कैन यूज द रिट ऑफ हीबिस कॉर्पस to determine if a state's detention of a prisoner is valid. A writ of habeas corpus is used to bring a prisoner to other detainee, i.e. constitutionalized mental patient, before the court to determine if person's imprisonment or detention is lawful. A habeas petition proceeds as a civil action against the state agent. ये हमेशा एक सिविल एक्शन होता है जो सरकार के खिलाफ नागरिकों द्वारा लिया जा सकता है। यूजुअली ए वार्डन हु होल्ड्स द डिफेंडेंट ऑफ द कस्टडी, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एग्जामिन। सीधी सीधी सी बात इसके लिए अगर कही जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वो बंदी को न्यायाधीश के सामने उसकी उपस्थिति दर्ज करें और उसके कैद करने की वजह बताएं। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में लाना होगा और ये बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या प्रॉपर तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारे, यानी कि हमारा संविधान अपराधियों को भी पूरी सुरक्षा देता है कि आप अच्छे से जीवन को अपने सुरक्षित रख सको। ठीक है, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो वो उसको छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है और इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। प्रत्यक्षी यानी सामने लाना, बंदी यानी जिसको आपने कैद किया है या फिर आपने जिसको गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट रिट है परमादेश, या जिसको मैंडेमस भी कहते हैं। मैंडेमस और मैंडेमस which means we command in Latin. अब जिस तरह से that you have body जो है Latin में habeas corpus का मतलब था, mandamus भी Latin शब्द है जिसका अर्थ होता है we command, सारी ताकत हमारे अंदर है। ठीक है ना, आप हिंदी में समझ सकते हैं परमादेश यानी परम आदेश, सबसे बड़ा सबसे ऊपर का आदेश किसका होगा, न्यायालय का होगा। ठीक है ना, तो वी कमांड इन लैटिन और समटाइम्स मैंडेट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द प्रोग्रेटिव रिट इन द कॉमन लॉ एंड इज इश्यूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू कंपेल अ लोअर कोर्ट और अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू परफॉर्म मैंडेटरी और प्योरली मिनिस्टीरियल ड्यूटीज करेक्टली। यानी सीधी सी बात है, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को या अपने से नीचे कोर्ट को या किसी अन्य जो एक साथ कई सारी कोर्ट्स को ये आदेश देती है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। कई बार अधिकारी क्या करते हैं, किसी जनता के कार्य को नहीं करते हैं, कहते हैं भाई ये हमारे अंडर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे में ये वो तो जनता का हना नहीं हो रहा अधिकार, तो जनता सीधे कोर्ट में जा सकती है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है और उस अधिकारी को ये आदेश दिया जा सकता है कि आप वो करें जो आपके अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। अगली जो रिट है वो है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ होता है किसी चीज को मना करना। आप देखते हैं प्रोहिबिट करना मतलब मना कर देना, तो किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ये जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार से क्षेत्र बाहर कार्य करने से रोकती है। अगर कोई अधिकारी या जो निचला न्यायालय है वो ऐसे कार्य करता है जो उसके अधिकार से बाहर हो, तो ऐसे करने से रोकने के लिए न्यायालय इस रिट को जारी कर सकता है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। यानी कि प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट का प्रयोग हमेशा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ही किया जाएगा, किसी और के खिलाफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुशांत सिंह केस में देखा था कि किस प्रकार से न्यायालयों के बीच में थोड़ी तनाव हुआ था कि ये बॉम्बे में लड़ा जाएगा, पटना में लड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो भी अधिकार को लेकर जो भी जारी करना होता है, जो भी रिट जारी करनी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो खैर सबको मान्य होता ही है। तो इस प्रकार के रिट को हम प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कहते हैं।
A writ of prohibition is a writ directing a subordinate to stop doing something the law prohibits. This writ is often issued by a superior court to the lower court, directing it not to be proceed with a case which does not fall under its jurisdiction. Jurisdiction यानी न्यायाधिकार क्षेत्र. लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिषेध जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी कार्यपालिका के खिलाफ या ऑफिसर के खिलाफ या निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता. ये किसी न किसी न्यायालय के खिलाफ ही जारी किया जाएगा. इसके बाद है उत्प्रेषण या जिसको हम कहते हैं सर्टियोरी. सर्टियोरी क्या होता है? This writ is issued by a superior court for the purpose of stopping any subordinate court or judicial body which is violating its jurisdiction. Jurisdiction क्या होता है? एक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होता है उसको jurisdiction कहा जाता है. तो उससे बाहर निकलने के लिए किसी न्यायालय को अगर रोकना हो तो उसके लिए खिलाफ उत्प्रेषण जारी किया जाता है. There is a difference between prohibition and inducement. आप अब एक बात समझिए कि आपने पहले prohibition पढ़ा वो भी सेम ऐसा ही था. तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होने हो जाता है कि ये फिर अलग कैसे हुए, क्या अंतर है इनमें. A writ of prohibition is issued while any proceeding is going on. प्रोहिबिशन तब जारी किया जाता है, प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है. ठीक है. वेयर्स एन अबंडेंट रिट या फिर सर्टियोरी रिट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सक्सेशन ऑफ जजमेंट आफ्टर द एक्शन ओवर. लेकिन उत्प्रेषण तब किया जाता है जारी जब किसी निर्णय, किसी चीज का निर्णय हो गया है और उस निर्णय को रोकना है कि इस निर्णय पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. तो उत्प्रेषण या सर्टियोरी ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी होता है. प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर है, क्या अंतर है? प्रतिषेध उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य उस कार्यवाही को ही रोकना होता है. लेकिन उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय के समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है कि कोई जजमेंट अगर कोर्ट ने दिया है और वो गलत लग रहा है तो उस जजमेंट को रोका जाए, इसके लिहाज से सर्टियोरी या उत्प्रेषण जारी की जाती है. अब लास्ट है क्यूओ वारंटो या अधिकार प्रत्यय. क्यूओ वारंटो नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है. क्यूओ वारंटो ऑन विच वारंट, किसके अधिकार से आपने किया ये सब. ठीक है. इन ब्रिटिश अमेरिकन कॉमन लॉ क्यूओ वारंटो मिडाइवल लैटिन फॉर बाय व्हाट वारंट, किसके अधिकार से. इज अ प्रोग्रेटिव रिट रिक्वायरिंग द पर्सन टू हूम इट इज डायरेक्टेड टू शो व्हाट अथॉरिटी दे हैव फॉर एक्सरसाइजिंग सम राइट पावर और फ्रेंचाइजी दे क्लेम टू होल्ड. यानी सीधी सी बात ये है, इस कड़ी में ये अंतिम रिट है जिसका अर्थ है आपके क्या प्राधिकार हैं, आपके पास ऐसा क्या अधिकार है. जैसे अगर कोई हमें रोकता है कुछ करने से हम कहते हैं ना कि आप कौन होते हो ऐसा करने वाले, तो क्यों वारंटो का कुछ ऐसा ही मतलब है कि आप कौन होते हो, आपने क्यों किया ये काम. ये अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है. साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा. संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा. आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ भी या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है. लेकिन वो सिर्फ आपातकाल में होता है, उसके अलावा इसको कहीं भी निलंबित नहीं किया जा सकता. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और उसके साथ साथ किसी भी अधिकार को ऐसे ही निलंबित नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो ये आपने पढ़े कि सारे अधिकार क्या क्या होते हैं. ठीक है ना. अब जो अधिकार हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने अब पढ़ा. ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि हमें ये हक देता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, और हमारे अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका को सौंपता है, खास करके सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि राज्य के कोर्ट को ये अधिकार उसी अनुच्छेद के तहत नहीं दिया गया है. ठीक है. तो आज के वीडियो में इतना ही. हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में. जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जहां आगे के अनुच्छेदों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. तब तक के लिए थैंक यू.